लेकिन आज हम बात करेंगे बीए ऑनर्स संस्कृत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता। ठीक है, कोर सेकंड सेमेस्टर में जितने भी कोर पेपर लगे हुए हैं उनके बारे में, डीएससी एसीसी के बारे में नहीं बात करेंगे, सिर्फ कोर पेपर के बारे में लगेंगे जो मेन मेन क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता, गीता में आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता पेपर का नाम है। गीता के अनुसार आत्म प्रबंधन के उपायों का विवेचन कीजिए। ठीक है, हमेशा अधिकतर क्वेश्चन आ जाता है, परंतु इंद्री मन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, सेकंड वाला। गीता के अनुसार आत्म प्रबंधन की प्रक्रिया में मन, इंद्री और बुद्धि की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमेशा पूछा जाता है, कभी कभी मन के बारे में या इंद्री के बारे में पूछ लिया जाता है। इसमें तीनों मैंने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मानसिक द्वंद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके कारणों का निरूपण कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गीता में अधिकतर आत्म प्रबंधन के बारे में, जीवन से क्या चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। मानसिक द्वंद्वों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके कारणों का निरूपण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया है। चौथा जो क्वेश्चन है, त्रिविध गुणों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए विविध प्रकार के आहारों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, त्रिविध का भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। गीता के अनुसार मन का स्वरूप बताते हुए मनोनिग्रह का उपाय कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आत्म प्रबंधन के, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन जो है, आत्म प्रबंधन के अनुसार आत्मा और परमात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिविध गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए इसमें मन का प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शुकनासुपदेश से जो है, यह दूसरा है कोर पेपर का, इसके बारे में क्या पूछा गया है देखते हैं। शुकनासुपदेश के आधार पर लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन, ये बहुत बार पूछा गया। शुकनासुपदेश के आधार पर लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन कई बार पूछा गया। ये विश्व चरित्रम का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। दंडी के गद्य शैली का विवेचन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुकनासुपदेश का सार अपने शब्दों में लिखिए, सार अपने शब्दों में लिखने के लिए अधिकतर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें घटना का वर्णन है। इसमें बाणव चिष्टम जगत सर्वम इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए, ये भी बाणव चिष्टम जगत सर्वम, बाण की सारी चीज़ें क्यों फेमस है, जगत सर्वम बहुत ही फेमस है क्योंकि इनमें शब्द और सारी चीज़ें बहुत अच्छे, अलंकार अलंकार की परिभाषा की गई है बड़े अच्छे ढंग से। शुकनासुपदेश के आधार पर गुरु का उपदेश का वर्णन कीजिए, गुरु का उपदेश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाँचवा जो है, ये इस बार भी शायद आया था, गुरु के उपदेश का वर्णन कीजिए और लक्ष्मी का स्वरूप, ये बहुत बार पूछा गया। शुकनासुपदेश की साहित्यिक विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए, साहित्यिक विशेषताओं का मूल्यांकन ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हम बात करते हैं विस्तृत चरित्रम के बारे में। विस्तृत चरित्रम में राजा की दिनचर्या का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है कि राजाओं की दिनचर्या के वर्णन कैसे था, वो भोर में उठते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ें का वर्णन आपको इसमें करना है। दंडी की गद्य शैली का विवेचन कीजिए, भाषा शैली भी आ रखा है, ठीक है, मतलब वही गद्य शैली या भाषा शैली। विस्तृत चरित्रम का सार का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या कभी कभी ये पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन कि 1 to 10 तक गद्य को तैयार करके उसके लिखिए, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 5वां, 7वां, 10वां जिसको वर्णन करना हो जाता है, जिसको आप अच्छे ढंग से याद करके वर्णन कर सकते हैं। जो चरित्रम के आधार पर बिहार भद्र के कथन को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, ये उतना कम 5वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु दंडी के पद लालित्यम उक्ति की समीक्षा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा की दिनचर्या का वर्णन, दंडी की गद्य शैली, विश्व चरित्रम का सार और दंडी के पद लालित्यम उक्ति की समीक्षा कीजिए, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें सेकंड सेमेस्टर में बी ऑनर्स संस्कृत में। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।